चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट पहली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें। आज हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या आता है बच्चों? मैंने पहले भी बताया था कि खाद को हम मैन्योर कहते हैं, जैसे कि आप सबके घरों में शायद गोबर की खाद तैयार की जाती है। एंड फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र होता है उर्वरक जो हमें बाहर हमें बाज़ार से खरीद के लाना पड़ता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। कि बच्चों जो हम मतलब अपनी क्रॉप्स में जो हम सोल में मिट्टी में डालते हैं कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं उनको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब देखिए यहाँ पे भूजो क्या सोच रहा है। आई सॉ अ हेल्थी क्रॉप ग्रोविंग इन द नेबरिंग फॉर्म द प्लांट वर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि मैंने अपने पड़ोस के एक फार्म में देखा है कि वहाँ पे दो फार्म थे, एक जगह तो बहुत अच्छी प्लांट उगी थी, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन अदर कहीं और दूसरी जगह पे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई थी। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो बच्चों आप बता सकते हैं इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो देखो बच्चों इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो जो उनकी सोल होंगी उनको उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगी, इस वजह से भी हो सकता है कि एक जगह पे उस क्रॉप की अच्छे से ग्रोथ नहीं होंगी। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, जो मिट्टी होती है हमारी वो प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इसेंशियल होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। और कई जगह फार्मर क्रॉप को ये ग्रोथ दे देते हैं, लेकिन कई फार्मर अगर फार्मर्स ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे अपने क्रॉप में, फर्टिलाइज़र और नहीं डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो उनकी क्रॉप है वो अच्छे से नहीं उगेंगी। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सोल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। और ये बोल रहा है कि अगर हम कंटिन्यू ही क्रॉप में बार मतलब किसी भी सोल में बार बार क्रॉप उगाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो सोल के न्यूट्रिएंट्स है वो उसकी कमी आ जाएंगी, जिससे कि अगर हम नेक्स्ट टाइम फिर क्रॉप उगाएंगे वो ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं उगेंगी, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैनर इन द फील्ड टू रिप्लीनिश द सॉयल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसलिए जो फार्मर होते हैं वो उसमें मैन्यूर्स या फिर फर्टिलाइजर डाल देते हैं ताकि जो वो सोल है उसको फिर से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। कि हम जो पौधों में जो मैन्यूर मतलब कि खाद डालते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्यूरिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर और इनसुफिशियंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम इसको मतलब अच्छे से नहीं डालेंगे, इम्प्रॉपर मतलब कि कभी ही डाल देंगे, अच्छे उसमें नहीं डालेंगे, तो इससे जो प्लांट्स होते हैं हमारे वीक हो सकते हैं। इसे हमें इस अच्छी मात्रा में डालना चाहिए। अगर हम अत्यधिक डाल देंगे तो इससे भी हमारे क्रॉप्स को नुकसान हो सकता है, मतलब हमारे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है, और जो मैन्यूर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, मतलब कि जो एनिमल्स का वेस्ट होता है और जो प्लांट्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो वो मिट्टी में ही डिकम्पोज मतलब सड़ जाते हैं, तो इससे ये मैन्यूर्स बनते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये भी कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। फार्मर डम्प्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट अपॉन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर करते हैं वो मैन्यूर कैसे बनाते हैं बेटा? जो एनिमल्स के वो होते हैं ना वेस्ट मटेरियल, उसको वो किसी गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी मैन्यूर बन जाती है, फिर वो उसको अपनी क्रॉप में डाल देते हैं। और जैसे कि ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा इसका विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, जो ये होते हैं ना ये वेस्ट ऑफ उनके एनिमल्स के, इसका विद द हेल्प ऑफ जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। द डिकम्पोजिशन मैटर इज यूज ऑर्गेनिक मैन्यूर। कि जो मतलब ऑर्गेनिक होते हैं ना ये एकदम ही ऑर्गेनिक मैन्यूर होते हैं, खाद होती है जो हमारे। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कम्पोजिंग इन क्लास सिक्स, आपने सिक्स क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें बोल रहा है कि टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। ये बोल रहा है कि आपको किसी भी चीज़ के सीड्स, आप कोई भी सीड लग सकते हैं, आपको तीन वेसल किसी ग्लास, चलिए आप ग्लास में ले लीजिए ए बी और सी नाम रखिए, और जो ग्लास ए है उसमें एड लिटल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटल कव डंग। तो इसमें आपने कव डंग मैन्यूर मतलब कि आपने गाय का गोबर मतलब कि मैन्यूर मतलब कि खाद डालनी है। ठीक है, ग्लास ए में, और ग्लास बी में आपने पुट करना है सम अमाउंट ऑफ यूरिया, इसमें आपने क्या डालना है? यूरिया। ठीक है, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोल इन ग्लास सी और ग्लास सी में विदाउट एडिंग एनीथिंग, और ग्लास सी में आपने कुछ नहीं डालना। तो फिर देखो बच्चों आपने इसमें क्या किया, आपने तीन ग्लास लिए, एक में
आपने मिट्टी और सब उसमें सीड्स डाले और दूसरे में आपने और जो आपने ग्लास ए है उसमें आपने मैन्यूर्स मतलब कि गाय का गोबर डाला और जो ग्लास बी था उसमें आपने क्या डाला फर्टिलाइजर माने यानी कि यूरिया और जो ग्लास सी था उसमें आपने कुछ नहीं डाला ठीक है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डायग्राम में कि क्या हुआ जो हमारा ग्लास बी था उसमें देखिए क्रॉप कितनी की ग्रोथ कितनी अच्छे से हुई है। डिड प्लांट इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पीस नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप प्लीज़ इसको घर में ज़रूर देखिए कि ये फसल किस तरह से क्रॉप करती है। आप एंड में रिजल्ट यही पाएंगे कि जो आपका बी है ग्लास है उसमें क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रोथ होंगी और ए में थोड़ी कम ग्रोथ होंगी और सी में बहुत कम ग्रोथ होंगी। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सबसे पहले हमने ग्लास ए में क्या डाला था हमने मैन्योर। वो क्या करता है वो जो सोल होती है उसको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि वो जो हमारी क्रॉप होंगी वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। और जो फर्टिलाइज़र था वो केमिकल ही होता है आपको पता है ना कि वो केमिकल्स होते हैं विच आर यूज्ड रिच तो उसमें मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छी मात्रा में होते हैं जो हमारे मिनरल्स होते हैं उससे भी अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं वो केमिकल्स ठीक है। और ऑफकोर्स ये जो हमारे मैन्यूर होते हैं उनसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री ये तो आपको पता ही होगा कि जो फर्टिलाइज़र है फैक्ट्री में ही बनाए जाते हैं क्योंकि ये मैन मेड है। और जो हमारे जो मैन्यूर होता है मतलब खाद होती है उसे हम घरों में खुद बना सकते हैं बहुत क्या है वो नेचुरल प्रोसेस होती है ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं फर्टिलाइज़र के जैसे यूरिया अमोनिया सल्फेट सुपर फॉस्फेट ठीक है पोटाश एनपीके मतलब कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आपका पोटाशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट पैडी एंड मैजिया। आप सभी को पता ही होगा जो फर्टिलाइज़र है ये इसमें बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल पाए जाते हैं ये आपकी जो सोल है उसको बहुत ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा जिससे कि आपकी जो क्रॉप होंगी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फर्टिलाइज़र है इसके यूज़ से बहुत सारे नुकसान भी है। इससे क्या होता है जो हमारी सोल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है इससे कि जो हमारी सोल मतलब मिट्टी जाती है उसमें फर्टाइल की कमी हो जाती है। फर्टिलाइज़र है ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन और जो ये फर्टिलाइज़र है इससे जल मतलब वाटर का पॉल्यूशन भी होता है वाटर को पॉल्यूट करते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हमें अपने खेतों में क्या यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइज़र या फिर मैन्यूर। ऑफकोर्स हमें मैन्यूर यूज़ करना चाहिए अपने खेतों में क्योंकि जो मैन्यूर होता है ये जो हमारी सोल है उससे हमारी सोल की गुणवत्ता अच्छी बन जाती है और जो ये इससे जो सोल होती है वो पानी को ज़्यादा सूख सकती है इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है ठीक है। और हम अपनी सोल को अच्छा मतलब करने के लिए और क्या कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम जो ताकि जो सोल में हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो मतलब कंटिन्यूस मतलब उसमें कम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन करते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ये कैसे होता है कि हम मतलब डिफरेंट क्रॉप को अपने खेत में प्लांट करेंगे अलग अलग करके जैसे कि अर्लियर फार्मर आर इन नॉर्थ इंडिया यूज टू ग्रो लिगम्स एज फॉर्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन की पहले हम लगाएंगे ग्रो लिग्यूम्स एज एक सीज़न में और दूसरे सीज़न में क्या लगा देंगे हम वीट ठीक है जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे क्रॉप है उसकी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी सोल है उसके न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होंगे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोल विद नाइट्रोजन। इसी क्या आता है कि जो सोल होती है उसमें नाइट्रोजन की गुणवत्ता बनी रहती है। फार्मर आर बींग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर को ये सब चीज़ें करने के लिए इनकरेज किया जाता है ठीक है। और आप सबको पता होगा कि राइबोसियम एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया था जो प्लांट्स में पाया जाता है प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है यह नाइट्रोजन के उत्पादन में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ठीक है। फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि हमने पहले पढ़ा जो फर्टिलाइज़र होती है इसे मैन मेड मतलब इसे फैक्ट्री में खुद ह्यूमन बनाता है ठीक है। मैन्यूर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेस्ट्यूट्स। और जो मैन्यूर होता है ये कैसे बनता है मतलब कि गोबर जैसे कि कुछ एनिमल्स के वेस्ट मटीरियल से बनता है जब वो डिकम्पोजिशन होता है उनका। और जैसे कुछ प्लांट्स जैसे मर जाते हैं तो वो मिट्टी में ही दब जाते हैं उनके डिकम्पोजिशन से भी मैन्यूर बनता है ठीक है। एंड सेकंड इज़ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। जो फर्टिलाइज़र होता है ये फैक्ट्री में बनाया जाता है लेकिन जो मैन्यूर होता है कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। इसे हम मतलब ये कहाँ बनता है ये कहीं भी बन सकता है जहाँ हम ये सब चीज़ें यूज करेंगे ये वहाँ बन जाएगा ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द
any humus to the soil. आपको पता है ना humus क्या होता है, जो मिट्टी में ऊपरी परत में कुछ nutrients कुछ पाए जाते हैं जिन्हें हम humus कहते हैं. ये बहुत ही अच्छे होते हैं crops के growth के लिए. और जो fertilizer है ये provide नहीं करता humus को, लेकिन जो manure होता है वो humus को भी provide करता है. ठीक है, fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and पोटेशियम. रिच इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम है, ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. लेकिन जो मैन्यूर होता है ये रिलेटिवली रिच, मतलब कि लेस रिच, इसमें कम पाए जाते हैं ये एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर से. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर की, जो ये मैन्यूर है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये क्यों अच्छा माना जाता है फर्टिलाइजर से. द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. इससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी सोल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख पाएंगी. इट मेक द सोल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजिली. इससे क्या होता है, मिट्टी को ये पोरस बनाता है. पोरस मतलब कि मिट्टी में छिद्र छिद्र रह जाते हैं, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिससे कि जो गैस होंगे वो आसानी से इस मिट्टी में एक्सचेंज हो सकती है. ठीक है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं फार्मर के लिए, क्योंकि वो क्रॉप की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, ये उनके नंबर को भी इंक्रीज करता है. इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ द सोल. इससे जो सोल का टेक्स्चर है वो भी इम्प्रूव होता है, मतलब कि ये सोल की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. अब हम पढ़ेंगे इरीगेशन. इरीगेशन क्या है, सिक्स स्टेप ऑफ क्रॉप कल्टिवेशन का. ठीक है, ऑल लिविंग बींग नीड वाटर टू लिव. पता है हम सबको कि हमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपर ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट. ये एनिमल्स को ही नहीं, हमें ही नहीं, बल्कि प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 90% जो पार्ट्स होता है वाटर का, वो का प्लांट का, वो वाटर्स का बना होता है. मतलब कि प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. क्योंकि जब कंडीशन ड्राई होंगी तो ऑफकोर्स सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वाटर तो इंपॉर्टेंट होता ही है. न्यूट्रेंट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. और जो न्यूट्रेंट्स होंगे वो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, जिससे कि प्लांट उन न्यूट्रेंट्स को ले पाएगा. ठीक है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द ग्रोथ फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. फ्रॉस्ट होता है पाला, जैसे कि कई बार पाला पड़ जाता है, उससे भी जो वाटर एंड हॉट एयर करंट्स, और हॉट जब हवा गर्म हो जाती है उससे भी वाटर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली. इसलिए क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती है उसको हम पानी रेगुलरली देते रहते हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. इरीगेशन मतलब सिंचाई, किसे कहते हैं कि जब हम पानी क्रॉप्स को, जब अपनी क्रॉप्स को वाटर रेगुलरली, मतलब किसी टाइम इंटरवल के बाद देते रहते हैं, उसे हम इरीगेशन कहते हैं. द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. ठीक है, कि हमें कितना पानी देता है ये हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग होता है. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. कि जैसे कि मतलब कि हमारी मिट्टी की, अगर हमारी मिट्टी बहुत ड्राई है तो ऑफकोर्स हमें उसे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, और अगर हमारी मिट्टी ज़्यादा ड्राई नहीं है तो हम उसे कम पानी देंगे. और सीजन या जैसे कि गर्मी है, हमें गर्मी को ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. हमें गर्मी को ज़्यादा पानी क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से जो 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 उसकी लीव्स है पानी की, मतलब जो किसी प्लांट की पत्तियाँ है उससे बार बार पानी सूखता रहेगा, इसलिए हमें ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. फिर यहाँ पे भूजो सोच रहा, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट लीस समर प्लांट. और देखिए भूजो समझ गया कि गर्मियों में मुझे अपने प्लांट्स को ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, इसलिए वो कह रहा है कि पिछली बारी मेरे सारे प्लांट्स सूख गए थे क्योंकि मैंने उन्हें पानी अच्छे से नहीं दिया था, लेकिन इस बारी मैं गर्मियों में उन अपने प्लांट्स को पानी अच्छे से दूंगा ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए. ठीक है, अब है सोर्सेज ऑफ इरीगेशन. मतलब कि हम पानी को, इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई, हम किस की हेल्प से अपने प्लांट्स को पानी दे सकते हैं. द सोर्स ऑफ इरीगेशन, वाटर फॉर इरीगेशन इज व्हील्स, थंब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. ठीक है, इसे आपको पता ही होगा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, कि हम कैसे उसको वाटरिंग करते हैं, मतलब पानी कैसे देते हैं. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, पता ही सबको कि पानी कुएं में उपलब्ध होता है, कुएं, बावड़ी इत्यादि में. ठीक है, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन बाय टेकिंग इट टू द फील्ड. ठीक है, ये बता रहा है कि हम पानी मतलब इन जगह से लेके यूज़ कर सकते हैं. फिर है वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, इसमें कुछ वेरियस ट्रेडिशनल वेज बताए हैं वाटलिंग के, जैसे मॉट, चेन पम्प, पुली. ठीक है, यहाँ पे देखिए
डिकली एंड राहत लीवर सिस्टम बहुत सारे ये है। देखिए आपको यह पिक्चर में भी दिख रहे हैं कि हम किस किस इनके द्वारा वाटरिंग कर सकते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, मतलब कि जो पंप हम पानी को ऊपर उठाने के लिए यूज करते हैं कुएं वगैरह से, वो है डीजल बायोगैस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप, ठीक है। ये पंप इसकी हेल्प से यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की, आजकल मॉडर्न ज़माने में सिंचाई के लिए कौन कौन से, इरिगेशन के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन, ये ना बहुत यूजफुल है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें पता क्या होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे एक नोज़ल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक नोज़ल होता है, ये नोज़ल यहाँ लगा होता है तथा इसके जो इसकी और इससे छोटी छोटी नोज़ल हर प्लांट को आपको दिख रही होनी, यहाँ पे हर प्लांट को दी जाती है। इससे पानी ना छिड़काव किया जाता है, इससे पानी की बचत होती है और प्लांट्स में पानी छिड़काव किया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि वर्षा हो रही होंगी। इसमें यहाँ पे भी नोज़ल लगा होता है और यहाँ पे भी नोज़ल लगा होता है, ठीक है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, और आप यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, ड्रिप सिस्टम। इस ड्रिप सिस्टम में भी ऐसा होता है, यहाँ पे नोज़ल लगी होती है और ये पाइप होती है जो इनके इन जो प्लांट्स की, इसमें ये जो पाइप होती है छोटी छोटी नोज़ल इन प्लांट्स के रूट्स तक पानी को पहुँचा देती है, बूंद बूंद करके पानी पहुँचता है और इससे पानी की बचत भी होती है। अब नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है बच्चों, हमने पहले बताया था कि जो खेतों में कुछ अनचाही घास कुछ भी पौधे उग जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। अब यहाँ पे भुजो बोल रहा है, हैव दिस अदर प्लांट बीन प्लांटिंग परपजली। अब भुजो ने देखा कि एक वहाँ पे इन्होंने कुछ किसी चीज़ की क्रॉप उगाई थी, वहाँ पे कुछ उन्होंने प्लांट्स देखे, छोटे छोटे पौधे घास वगैरह देखे, तो भुजो सोचने लग गया कि कहीं इसका भी कोई उपयोग तो नहीं है, किसी और पर्पज से तो नहीं उगाई पौधे। तो फिर अब देखिए हमें पता, और इन दिस फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप, कि कुछ अनचाहे पौधे होते हैं जो क्रॉप के साथ खुद ही उग जाते हैं। दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स। जो अनचाहे पौधे होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के साथ खुद उग जाते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स, ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, कि हम जो इनका रिमूवल, इनको निकालना, उसे क्या कहते हैं हम, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्प्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो बच्चों, अगर ना हमारे क्रॉप के साथ कुछ और ये चीज़ लगी होंगी, वीड्स लगी होंगी, तो कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको, जो हमारा प्लांट होगा उसको ये न्यूट्रिएंट्स शेयर करना पड़ेगा इन वीड्स के साथ, इसलिए जो हमारी क्रॉप होंगी प्लांट होगा उसको जो न्यूट्रिएंट है वो कम मिलेगा। तो फिर इसलिए हम इन वीड्स को निकाल देते हैं ताकि जो हमारा हमारी क्रॉप पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। और जो ये वीड्स है ऑफकोर्स ये इनकी ग्रोथ के ऊपर, क्रॉप की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ऑफकोर्स बहुत बुरा अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको निकाल देते हैं, ठीक है। और जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, वो बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं टू रिमूव दीज वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, ठीक है। या फिर वो उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं या फिर उनको निकाल देते हैं। टिलिंग बिफोर शोविंग द क्रॉप्स हेल्प इन अनग्रोथ, जो हम टिलिंग करते हैं ना, जो हमने पहले पढ़ा था टिलिंग, ये हेल्प करता है इनको, इन वीड्स को रिमूव करने में, ठीक है। और द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, ये बोल रहा है कि हमारे को जो वीड्स है वो टाइम से निकालने चाहिए, अगर उन जो वीड्स है अगर वो घास है अगर उनमें पहले फ्लावर लगे तो उनका निकालना टफ हो जाएगा हमारे, इसलिए हमें उन्हें पहले ही निकालना चाहिए। और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, और हमें उन्हें एकदम नीचे से काटना चाहिए, एकदम क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब उनको एकदम नीचे से काटना चाहिए ताकि वो फिर से ना उग सके। इसको हम विद द हेल्प ऑफ खुरफी की मदद से भी हम ये करते हैं और सीड ड्रिल की हेल्प से भी हम करते हैं, ठीक है। और वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स, और हम वीडिसाइड्स क्या होते हैं कि कुछ केमिकल जो जो वीड्स है जो ये अनचाहे घास से इनको हटाने के लिए करते हैं केमिकल्स, उनको कहते हैं वीडिसाइड्स। और इसका एग्जांपल है 2,4-D, आपने ये एग्जांपल याद रखना है 2,4-D, क्योंकि ये क्या है, वीडिसाइड्स है जो यूज़ होता है इन खरपतवार को हटाने के लिए, ठीक है। इन खरपतवार किसको बोलते हैं हम, इनको वीड्स को बोलते हैं जो अनचाहे पौधे उगाते हैं खेतों में। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, और ये क्या करते हैं, इनको हम स्प्रे करते हैं अपने फील्ड में, अपने खेत में, ताकि जो ये रसायन है जो ये केमिकल है ये इन वीड्स को मतलब किल कर देते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ये क्रॉप के ऊपर कोई असर नहीं डालते हैं, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये सिर्फ इन्हीं के ऊपर असर करता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये फार्मर है ये स्प्रे कर रहा है वीडिसाइड्स को क्रॉप के ऊपर, ताकि जो अनचाहे घास है जो अनचाहे वीड है ये यहाँ से हट जाए, ठीक है। अब यहाँ पे भुजो फिर से सोच रहा है कि डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द
हैंडलिंग द वेडिसाइड स्प्रे. तो ये बोल रहा है कि जो फार्मर ये वेडिसाइड की स्प्रे कर रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई इसके गलत इफेक्ट हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जो ये वेडिसाइड है इसके फार्मर के ऊपर भी गलत इफेक्ट पड़ सकते हैं. इसलिए जो फार्मर है, देखिए इसने अपना मुँह एकदम ढका हुआ है, मास्क लगाया हुआ है इसने, ताकि जो स्प्रेयर है ये इसके मुँह में ना लगे. ठीक है, हार्वेस्टिंग. अब लास्ट है हार्वेस्टिंग, सेकेंड लास्ट. हार्वेस्टिंग क्या होता है? अब देखिए, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब आपकी फसल एकदम तैयार हो चुकी है, पक चुकी है, तो हम उसे काटते हैं, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप है ना, हम उसको एकदम नीचे से काट देते हैं. इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर केरल क्रॉप टू मैच्योर. मतलब कि किसी क्रॉप को पकने में, अच्छे से विकसित होने में 3 to 4 months लग सकते हैं. और जो हार्वेस्टिंग होती है ये हमारी कंट्री में यूज की जाती है विद द हेल्प ऑफ सिकल. आपको दिख रही है ना इमेज में सिकल, इसे यहाँ दराटी भी कहते हैं, इसे हिंदी में दराटी कहते हैं. ठीक है, और कई बार हम एक मशीन है, हार्वेस्टर मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं ये. ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. और थ्रेशिंग क्या होता है? इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कैफ. मतलब कि कई बार गेहूं के साथ भूसा होता है ना, आपने देखा होगा कि गेहूं के साथ भूसा उग होता है, तो हम गेहूं और भूसे को अलग करते हैं, तो उसे कहते हैं थ्रेशिंग. गेहूं से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं. ठीक है, दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड कंबाइन. इसे हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? कंबाइन मशीन होती है, उसकी हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम. देखिए अब पहली क्या बोल रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम स्टफ आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर. पहले इज वरीड शी नो दैट कॉज पॉल्यूशन. और यहाँ पे ये बोल रही है कि पहले की कई बार जैसे फार्मर हार्वेस्टिंग के बाद थोड़े थोड़े फील्ड में कुछ रह जाते हैं, लेफ्ट इन द फील्ड स्टब्स. ठीक है, रह जाते हैं सम स्टब्स, और फिर जो फार्मर होते हैं वो उनको जला देते हैं. और पहली को ये पता है कि जो उनको जलाने से पॉल्यूशन होता है, तो पहली इससे थोड़ी चिंतित है कि यार इससे पॉल्यूशन हो जाएगा, हमें ये नहीं जलाने चाहिए. ठीक है, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू नॉट सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड कैफ बाय विनोविंग. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास. इसे आपने क्लास 6 में पढ़ लिया है. ठीक है, आपको देखिए पिक्चर में भी जैसे कि दिख रहा है. अब है स्टोरेज. स्टोरेज का मतलब है कि अब मान ली हमारे सब कुछ कर लिया, हमारे पास जो वो क्रॉप है वो हमारे हाथ में आ चुकी है. स्टोरेज टू प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन द हार्वेस्टिंग. ग्रेन आर टू कीप फॉर लॉन्गर टाइम. अगर देखिए हमारे पास जो हमारे पास फसल आ चुकी है, अब हमने उसे किसी ऐसी जगह में स्टोर करना है कि उसे हम मतलब लंबे समय तक अच्छे से रख सके. दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर. मतलब उन्हें नमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें नमी आ गई, इंसेक्ट्स रेट्स या फिर चूहे कुछ भी आ गए, तो हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएंगे. मतलब जो हमारे को मिल चुका है स्टोरेज करने के लिए वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें उन्हें अच्छी जगह पर स्टोर करना होगा. ठीक है, इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनाइजम मेकिंग द अनफिट फॉर यूज. और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो अगर ग्रेन है, अगर आप उन्हें धूप में अच्छे से नहीं सुखाएंगे, बिना सुखाए बिना ही आप उन्हें स्टोर कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उनमें ऑफकोर्स थोड़ी नमी रह जाएंगे, जिससे कि जो आपके जो वो होंगे वो ख़राब हो जाएंगे बाद में. ग्रेन्स वगैरह जो भी आपने स्टोर किए होंगे वो ख़राब हो जाएंगे. इसीलिए इट इज़ नेसेसरी कि हमें जो आपकी क्रॉप है, पहले हमें उन्हें अच्छे से धूप में सुखाना होगा, फिर हमें उन्हें स्टोर करना होगा. ठीक है, दिस प्रिवेंट द अटैक बाई इंसेक्ट पीस बैक्टीरिया एंड फंगी. और इससे क्या होगा, जब हम उन्हें अच्छे से धूप में सुखाएंगे, तो उससे जो बैक्टीरिया और फंगी का अटैक है उससे भी बच जाएगा. अब यहाँ पे पहली बोल रही है कि आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट. आई वंडर वाई. तो यहाँ पे पहली बोल रही है कि मैंने अपनी मदर को देखा है कि उन्होंने जो आयरन ड्रम है, जिन्होंने उस जिसमें उन्होंने वीट को स्टोर किया था, उन्होंने उसमें कुछ नीम की पत्तियाँ डाल दी थी. कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो बच्चों आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि जो नीम होता है वो जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनसे उसको बचाता है. इसलिए उनकी मदर ने ऐसा किया कि उसने उसके बीच में नीम की पत्तियाँ डाल दी, ताकि जो उनके जो है जो उनका अनाज है वो उससे सेफ रह सके. ठीक है, फार्मर स्टोर. आपको यहाँ दिख रहा है ना इमेज में कि फार्मर ने देखो बोरे में स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज. ठीक है, इन्होंने फार्मर ने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है. ठीक है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन बाय इन सिलॉक्स एंड ग्रेन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम. देखिए अगर लार्ज स्केल में ग्रेन का प्रोडक्शन होगा, तो हम उन्हें सिलोज एंड ग्रेनरीज में प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है,
ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम. इसने बताया कि यहाँ पे जो नीम की पत्तियाँ हैं उसको हम घरों में यूज कर सकते हैं. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इज बिग गुड वंस. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये फूड फ्रॉम एनिमल्स की जो एनिमल्स हैं हमें उनसे क्या कौन कौन से फूड मिलते हैं. चलिए इसमें एक भरा है मिल्क. मिल्क हमें मिलती है काउ से और भी गॉड से और भी बहुत सारे एनिमल्स से. ठीक है, अब आप बताइए और कौन सी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिल सकती है. एग्स हमें किससे मिलती है, मुर्गी से. ठीक है, और क्या क्या मिलता है हमें, और हमें मिलता है जैसे कि हमें मांस भी मिलता है. ठीक है, मीट. After completing this table, you must have that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. तो फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि जो fishes होती है उनमें vitamin D बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कि जो बहुत help करता है हमारे को हमारे एनिमल्स के लिए, जो वो बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है, इसलिए मछली के खाने से भी हमें विटामिन डी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है. और यहाँ पे बता रहा है एनिमल हस्बेंड्री, आप बता सकते हैं ये क्या होता है. ये होता है जैसे कि आप लोगों के घर में बहुत सारे एनिमल्स को का पालन किया जाता है, जैसे कि कौ सबके घर में होती है. मतलब हम एनिमल्स को इसलिए पालते हैं ताकि हम उनसे कुछ, मतलब हम उनसे फूड प्रोवाइड कर सके, कुछ हमें उनसे अच्छी चीज़ मिल सके. इसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ. वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी. और यहाँ पे पहली बोल रही है कि हमें जो फिश है, मछली है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है. ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं. देखिए आप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप फर्टिलाइजर, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है, आपने क्या सीखा, वो सब भी यहाँ पे है. आप ये सब खुद पढ़ेंगे क्योंकि मैंने ये सब आप लोगों को पढ़ा चुका है. ये वही चीज़ रिवाइज की है इसने, आप इसे खुद पढ़ेंगे. अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे. ठीक है, एक्सरसाइज देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड. बताइए बच्चों क्या कहते हैं उसे, हमने पहले पढ़ा है, आपको पता होगा. इसे कहते हैं क्रॉप. ठीक है, यहाँ पे आएगा क्रॉप, CROP. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज, क्या कहते हैं उसे, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है. प्रेपरेशन ऑफ सोल, की हम मिट्टी को तैयार करते हैं. ठीक है, एंड सी इज डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. कि जो डैमेज सीड होंगे, जो खराब बीज होंगे, वो क्या करेंगे, वाटर के टॉप में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, वो तैरेंगे. ठीक है, फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप सुफिशेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोलर एसेंशियल. की किसी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज मैच आइटम्स कॉलम ए विद बी. आपने इसे मैच करनी है. आपको पता होगा कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, पैडी, मैजी, और रबी क्रॉप्स होती है वेट, ग्राम, पी. ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ठीक है, और ऑर्गेनिक मैन्यूर होते हैं एनिमल एक्सक्रीटा, कौडंग, यूरिना. ठीक है, एक्सेट्रा, आपको पता होगा ये सब. ओके, एंड अब क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ इच. खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती है, आप इसे खुद करें, आपको पता होगा, ये हमने आगे चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ पैराग्राफ इन यूर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है आगे. प्रेपरेशन ऑफ सोल, सोविंग, वीडिंग, थ्रेशिंग, आप ये सब खुद करेंगे. और आपको जो चीज़ समझ नहीं आएंगी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमें बता सकते हैं. एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, ये भी हमने सब पढ़ा है. व्हाट इज इरीगेशन, सब कुछ पढ़ा हमने ये. इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन वट वुड बी हैपन, डिस्कस. ठीक है, ये भी पता होगा आपको कि जो वीट है अगर उसको हम खरीफ सीजन में उगा देंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि वीट खरीफ की फसल नहीं है. आप सब खुद मैंने सब बताएंगे. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ सोल गेट अफेक्टेड बाई द कंटिन्यूस प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड. क्योंकि क्या होता है, जो अगर हम बार बार किसी क्रॉप को उसमें फर्टिलाइज करेंगे तो सारे जो मिनरल्स होंगे सोल से वो ले लेंगा, जिससे कि जो आपकी सोल होंगी उसमें मिनरल्स की कमी आ जाएंगी. वट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स, का आपको पता है ना, जो अनचाहे प्लांट्स उगाते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, ये भी आप खुद करेंगे, ये सब आपको पता है. ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन समझने आए या फिर अगर आपको इनके आंसर चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू.